ओके तो इस वीडियो में हम देखते हैं एक और फंक्शन एक्सेल का, वो है डेटा टेबल्स का। डेटा टेबल्स का फंक्शन भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, लाइक ये भी व्हाट इफ एनालिसिस एक टूल ही है। जैसे हमने गोल सी को सॉल्वर को देखा, इसी तरह डेटा टेबल्स है। डेटा टेबल्स मीन के डेटा के टेबल के अंदर जो डेटा है उसकी वैल्यूएशन करने के लिए। सेम वही शीट आपको नजर आ रही है जिसमें हमने मॉर्गेज अमाउंट की करंट पेमेंट कैलकुलेट की थी। इसमें हमारे पास एक फिगर आई थी कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ये बनती है। अब अगर हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि अगर मैं ये रेट्स चेंज करता हूँ तो मुझे उसकी अमाउंट से पता लगे कि मेरे इसमें क्या है, इसमें क्या वैल्यू है मेरी, इस पे परसेंटेज पे क्या वैल्यू है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे हर टेबल पे करंट पेमेंट का जो फंक्शन है वो यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि जितने भी हैं ये 8 टाइम्स, मुझे 7 टाइम्स मुझे यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मजीद। तो डेटा टेबल का जो फंक्शन है वो यहाँ पे हेल्पफुल रहता है, जिसमें हम यहाँ पे सिर्फ उसे सिलेक्ट करेंगे, अपना फार्मूला देंगे, जो मेन फार्मूला हमारा यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और बाय डिफॉल्ट वो बाकी सारी कैलकुलेशन हमें खुद ही करके दे देगा। अब जो डेटा टेबल है हमारे पास या जो डेटा है टेबल्स में, वो दो तरह का होता है, एक कॉलम फॉर्म में होता है, एक रो फॉर्म होता है। तो अभी हम यहाँ पे अपनी इस फंक्शन में, यहाँ पे इस वैल्यू में हम सबसे पहले अपनी जो है वो एक्चुअल फार्मूला अपना सेलेक्ट करते हैं पेमेंट का। पेमेंट का फार्मूला रेट हमारे पास ये है डिवाइडेड बाय 12, मुझे मंथली चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स ये हैं, उसके बाद जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू है वो ये है। तो हम इसे यहाँ से नेगेटिव करते हैं ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो अराउंड $1700 वो मुझे मंथली पेमेंट दे रहा है 8% के ऊपर। तो हम यहाँ पे डेटा टेबल यूज करना चाह रहे हैं, तो आप अपने टेबल को सिलेक्ट करें कंप्लीट। डेटा टैब में आने के बाद डेटा टूल्स में व्हाट इफ एनालिसिस में सबसे लास्ट में डेटा टेबल है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी डेटा टेबल की। अब देखिए इसमें दो तरह के सेल, रो इनपुट सेल है, यानी कि अगर आपका डेटा रो फॉर्म में है तो आप रो इनपुट सेल में, कॉलम इनपुट सेल है, अगर आपका डेटा कॉलम फॉर्म में है तो आप कॉलम इनपुट सेल में क्लिक करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो डेटा है वो कॉलम फॉर्म में है। तो अब यहाँ पे हमने बेसिकली इसे बताना है कि इस सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करें बेस्ड ऑन वन सेल जो कि हमारा परसेंटेज का सेल है, इस सेल को चेंज करेगा। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी ऑलरेडी की हुई है, तो हमें सिर्फ उसे बताना है कि जो आपने चेंज करना है वो सिर्फ चेंज करना है C3 सेल को, ठीक है। इस सेल की बेस पे हमें यहाँ की कैलकुलेशंस करके दे। तो अब जैसे ओके क्लिक करेंगे, देर यू गो, आपके सामने उसके कंप्लीट कैलकुलेशन कर दी है कि अगर 7.25% आपका रेट होगा तो आपकी जो अमाउंट है वो 1590 होगी, 7.5 पे ये होगी, 9% पे आपकी मंथली वैल्यू ये होगी। तो डेटा टेबल काफी हेल्पफुल रहता है आपका रेपिटिव फंक्शन को यूज करने की बजाय। एक सिंगल एक टेबल बनाएं, टेबल के अंदर अपनी कंस्ट्रेंट्स रखें, ऑब्जेक्टिव्स रखें, और उसकी बेस पे आपको कैलकुलेशन करके डेटा टेबल दे देगा।